नमस्कार बच्चों, आज हम बिहारी के दोहे गागर में सागर भरने के अप्रतिम उदाहरण है, अथवा यही प्रश्न दूसरे प्रकार से स्वीकारा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर उक्ति के आधार पर बिहारी के काव्य का मूल्यांकन कीजिए। तो आज हम बिहारी के दोहों में जो सार गर्भिता है विस्तृत विषय को कम शब्दों में समेटने के जो उनका कौशल है उस पर हम चर्चा करेंगे। रीति बिहारी रीतिकालीन काव्यधारा की रीति सिद्ध कविता, वे बहुश्रुत प्रभावशाली लोकानुभव से परिपूर्ण रचनाकार थे। उनकी एकमात्र कृति बिहारी सतसैया का प्रमुख रस श्रृंगार है, तथापि उसमें नीति भक्ति वैराग्य एवं सामाजिक व लोक व्यवहार विषय अन्योक्तियों का दोहों के रूप में समावेश हुआ। बिहारी सतसैया का प्रत्येक दोहा कलात्मकता एवं काव्यात्मकता का अनूठा उदाहरण है, उनमें एक साथ अनेक भावों को भरने की अद्भुत क्षमता है। बिहारी के काव्य में भाव पक्ष के अंतर्गत संवेदना और भावों का सूक्ष्म अवलोकन होने के साथ ही साथ कला पक्ष का सौंदर्य भी दर्शनीय है। सबसे पहले इसके अंतर्गत हम लेंगे कि बिहारी के दोहों में वर्णित भाव पक्ष। बिहारी ने अपने दोहों में कल्पना की समाहार शक्ति के बल पर जिस भाव गंभीरता की अभिव्यक्ति की है, अन्य कवियों के बड़े बड़े छंदों में भी वह गंभीरता दिखाई नहीं देती, अभिव्यक्ति का वह कौशल दिखाई नहीं देता। इसी कारण बिहारी के दोहे गागर में सागर भरने का काम करते हैं। उनका यह दोहा अत्यंत प्रसिद्ध है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काम, अली कली ही सो बंधु आगे कौन हवा। इस दोहे में बिहारी जयपुर के तत्कालीन राजा जिनके वो राज्याश्रित थे, राजा जय सिंह जब अपनी नव यौवना नव की पत्नी से उसके सौंदर्य के पाश में बंद कर राज कार्य से विमुख हो गए थे, तब बिहारी ने ये दोहा लिखकर उनके पास भिजवाया था कि न तो इस नव यौवना में जिसके अभी पूर्ण विकास ही नहीं हुआ, उसमें न तो पराग न ही वह पूर्ण रूप से विकसित है, नहीं उसमें यौवन का पूरी तरह से विकास हुआ है, और कि अगर भ्रमर अर्थात राजा जयसिंह उनकी नव विवाहिता पत्नी अर्थात कली से ही बंधे रहेंगे तो फिर इस साम्राज्य का क्या होगा, इस राज्य में निवास करने वाले जो प्रजाजन है उनकी सुख दुख पीड़ाओं को क्या होगा, कौन उनकी दुखों को कष्टों को पीड़ाओं को दूर करने का प्रयास करेगा। तो इस एक दोहे ने राजा जयसिंह की आंखें खोल दी थी और वो भोग विलास से त्याग कर राज कार्य की तरफ प्रवृत्त हुए। बिहारी का उक्ति वैचित्र से भरा हुआ एक वह दोहा लिया जा सकता है जिसमें नायक और नायिका गुरुजनों के बीच बैठे रहने पर भी आंखों के विभिन्न चेष्टाओं द्वारा हृदय के संपूर्ण भावों को व्यक्त कर देते हैं। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे फौन में करत है नैनन हो सब बात, कि नायक जो है वो नायिका से कहता है, प्रेम का निवेदन करता है, नाटक नायिका उसे आंखों से ही मना कर देती है, नायक उसकी मुद्रा पे रीझ जाता है, उसकी रीझ के आकर्षण को देखकर नायिका झूठा खींचने को भाव अभिव्यक्त करती है। मिलत दोनों के नेत्र आपस में मिलते हैं और नेत्रों के मिलते ही दोनों प्रसन्न हो जाते हैं और सबके गुरुजनों के बीच में अपने से बड़े उम्र के व्यक्तियों के बीच में उपस्थित होने के कारण लज्जा से नेत्र झुका लेते हैं। इस प्रकार नायक और नायिका विभिन्न लोगों की उपस्थिति में लोगों से भरे हुए भवन में नेत्रों से ही नेत्रों के संकेतों से ही बात कर रहे हैं। यह
कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को अभिव्यक्त करने के बिहारी की जो क्षमता है वह इस दोहे में हमें दिखाई देती है। इसका अप्रतिम उदाहरण है। इसी तरह बिहारी ने कहीं दीप्ति देह दुहन मिली दीपत ताप्तारम कहकर नायिका के वह संधि का बड़ा ही सरस एवं मादक वर्णन किया है, जिसमें धूप छाह के कपड़े द्वारा नायिका के बचपन एवं यौवन की संधि का सजीव चित्र सामने आ जाता है। ऐसे सरस एवं सजीव उक्तियों के द्वारा बिहारी ने उक्ति वैचित्र एवं वाग वैदिकते के द्वारा साथ साथ विलक्षण अर्थ गांभीर्य का भी सृजन किया। बिहारी जिस तरह अनुपम उक्ति वैचित्र एवं सरस अर्थ गांभीर्य के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरह वे अपनी समास पद्धति के लिए भी विख्यात है, क्योंकि बिहारी ने छोटे से छोटे दोहे में बड़े बड़े प्रसंगों का विधान इतनी सरलता एवं निपुणता के साथ किया है कि उसे देखकर कोई इन्हें गागर में सागर भरने वाला बताता है तो कोई सतसैया के दोहरे जो नावक के तीन देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर कहकर इन दोहों की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। इस दृश्य से बिहारी की समास पद्धति में एक ओर कल्पना की समाहार शक्ति का उत्कृष्ट रूप में विद्यमान है तो दूसरी ओर इनकी भाषा में अनुपम समास शक्ति भी दिखाई देती है। बिहारी की समास पद्धति का उत्कृष्ट रूप वहाँ दिखाई देता है जहाँ बिहारी ने छोटे छोटे दोहों में बड़े बड़े सांग रूपों की सफल योजनाएं की। बिहारी ने समास पद्धति का उत्कृष्ट रूप वहाँ दिखाई देता है जहाँ बिहारी ने छोटे छोटे अपने दोहों में बड़े बड़े सांग रूपों की सफल योजनाएं करते हुए अपने उद्देश्य में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। उनकी भावाभिव्यक्ति जो है वह पाठक पर सहज ही पहुंचने में सफल रही। उदाहरण के लिए क्रोधित नायिका के तेवर चढ़ने का वर्णन करते हुए बिहारी ने सांग रूप की योजना करते हुए नायिका के मस्तक पर लगे हुए आड़े तिलक में धनुष की प्रत्यंचा का, नायिका की भ्रिकुटि में धनुष का, कामदेव में बधिक का, युवकों में मृग का, नायिका के तिलक में बाण और नायिका की नासिका पर लगे हुए नुकीले तिलक में बाण के फल का आरोप करके इस छोटे से देह दोहे में बड़े ही सजीव ढंग से नायिका के द्वारा युवकों को आकृष्ट करने के व्यापार का वर्णन किया है। खोरी पनच भ्रकुटी धनुषु बधिक समरुत जिकानी हनत तरुण मृग तिलक सर सूरक भाल भरी तानी। बिहारी के दोहों में भावों की तीव्रता प्रखरता और गहनता इन सब विशेषताओं से उनके दोहे भाव संप्रेषण में अत्यंत सफल रहे और सशक्त भी है। उदाहरण के लिए देखिए पलनु प्रकटि बर ननु बरी नहीं कोपल ठहरा असुआ परी छतिया छनक छिन छिनाई छपी जा। इस दोहे में बिहारी ने विरहिणी नायिका की विरह वेदना से व्यथित दशा का चित्रण किया है। इसमें व्यंजना लालित्य एवं अनुप्रास की छटा एक साथ दृष्टव्य है। इसी प्रकार बिहारी चित्ताकर्षक भावपूर्ण चित्रण में भी पीछे नहीं रहे। उदाहरण देखिए दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित्ती परति गांठ दुर्जन ही दई नई है टूटी कि नायक और नायिका के नेत्र आपस में मिलते हैं, प्रेम के बंधन में उलझ जाते हैं। टूटत कुटुम परिवार की जो कुल मर्यादा है वह उसके बंधन टूट जाते हैं। जुरत चतुर चित्ती कि इस प्रकार जो उनका चतुर चित्त है वह प्रेम के बंधन से जुड़ जाता है बंध जाता है। परति गांठ दुर्जन हुए कि जो दुष्ट जन है जो प्रेम को महत्व नहीं देते प्रेम की महत्ता को नहीं समझ पाते उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है कि हे विधाता आपकी यह नई रीति एक प्रेम का बंधन बंध रहा है एक और दूसरी तरफ दुर्जनों के हृदय में कलुषता का बंधन बंध रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कल्पना की समाहार शक्ति माधुरी एवं भावात्मक तीव्रता का बिहारी के मुक्तक काव्य में अच्छा समावेश हुआ। इस विशेषता से अनेक लघुकाय दोहे अत्यंत भाव गंभीर एवं व्यंग्यमय बन गए हैं। दूसरा सुनेंगे बिहारी को कला पक्ष। बिहारी के भाव पक्ष के समान ही उनका कला पक्ष भी अत्यंत सशक्त है। उनके दोहों के प्रत्येक शब्द
अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। बिहारी की कौशलपूर्ण उक्तियों में एक अद्भुत सरसता, विलक्षण चमत्कार, अनुपम आकर्षण एवं अलौकिक रस संचार शक्ति होती है। भाषा की समरसता एवं समाहार की पूर्णता उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। सामासिक शब्दावली के कारण उनकी भाषा कहीं कहीं क्लिष्ट भी बन गई है, फिर भी उसमें भाव संप्रेषण की अपूर्व क्षमता है। उनकी सामासिक पदावली का एक उदाहरण यहाँ देखिए। सायक समन नायक नय रंगे त्रिविध रंग गाव झको बिलखी दूरी जात जल लखी जल जात लजात। बिहारी की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है, किंतु उसमें यत्र तत्र अन्य प्रचलित भाषाओं के शब्द भी मिल जाते हैं। बिहारी की भाषा में ध्वन्यात्मकता पर्याप्त मात्रा में मिलती है, क्योंकि बिहारी ने ऐसे ऐसे वर्णों का समान रूप से प्रयोग किया है जिसमें अद्भुत वर्ण मैत्री के कारण उस वस्तु की गति एवं ध्वनि का भी आभास मिल जाता है जिसका की वर्णन किया जा रहा है। देखिए उदाहरण देखिए। बिहारी में रमित भृंग घंटावली के साथ मंद मंद आवत चलियो कुंजर कुंज समेत कहकर वायु के मंद मंद गति के साथ आने का जो वर्णन किया है उसमें वायु की गति के साथ साथ ध्वनि को भी चित्रित कर दिया। बिहारी की भाषा माधुरी गुण प्रधान है। उदाहरण देखिए इसका। रस सिंगार मंजनु किए कंजनु भंजनु दे अंजनु रंजनु हूँ बिना खंजनु भंजनु मैं। बिहारी की भाषा में अद्भुत अभिव्यंजना शक्ति भरी हुई है। डॉक्टर राम सागर त्रिपाठी ने बिहारी मीमांसा नामक पुस्तक में पृष्ठ 308 पे लिखा है, बिहारी की काव्य भाषा परिमार्जित शुद्ध तथा रमणीय है। इसमें व्यंजना की क्षमता और प्रसाद गुण पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। इसी कारण बिहारी की भाषा में सांकेतिकता, लाक्षणिकता, प्रौढ़ता एवं प्रांजलता के साथ अनुपम सौष्ठव एवं अद्भुत सामर्थ्य विद्यमान है। बिहारी का छंद विधान केवल दोहा ही है, परंतु उसमें रमणीय चित्रों के रंग भरे हुए हैं। रूपक, अनुप्रास, उपमा, अतिशोक्ति, अन्योक्ति, विरोधाभास आदि अलंकारों का उन्होंने स्वाभाविक प्रयोग किया। उदाहरण, मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसरी आड़ धुरी इकनारी लही संगू रसमय किए लोचन जगत। बिहारी ने इस दोहे में नायिका के मस्तक पर लगे लाल बिंदु में मंगल का, मुख में चंद्रमा का, केसर की पीली आड़ में बृहस्पति का, नारी में राशि का और नायक के नेत्रों में जगत का आरोप करके सजीव सांग रूप की योजना की। बिहारी ने सुंदर उत्प्रेक्षाओं के द्वारा अपनी श्रृंगारिक भावनाओं को सरस अभिव्यक्ति दी है। सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात मनु नीलमणि सेल पर आतक परियो प्रभात। वस्तुतः बिहारी का मुक्त काव्य इतना सरस मधुर भावपूर्ण लालित से युक्त है कि उसमें सभ्य रसास्वाद हो जाता है। इसमें पहले जो हमने छंद अभी पढ़ा था सोहत ओढ़े की, इसमें भगवान श्री कृष्ण की जो छवि है कि भगवान श्री कृष्ण अपने सलोने श्याम वर्ण के शरीर पर पीतांबर धारण करे हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो नीलमणि की जो चट्टान है उस पर प्रातः काल का सूर्य के प्रकाश पड़ रहा है और सूर्य के प्रकाश में वो जो नीलमणि है वह चमक रही है, अपनी कांति अपनी आभा अभिमय छटा बिखेर रही है। वस्तुतः बिहारी के इन मुक्तक काव्य के जो अलग अलग भावों को लेकर जो अलग अलग छंद उच्चे हैं वो छंद स्वतंत्र भाव व्यंजना में देने में पूर्णतः समर्थ रहे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहारी के दोहे भावपूर्ण व्यंजना शक्ति से ओत प्रोत गंभीर एवं गहनतम अर्थ के द्योतक तथा पूर्णतया कलात्मक है।
और आलोचकों द्वारा उनकी सच्चाई के संबंध में गागर में सागर भरने वाली कहावत पूर्णतया सटीक सिद्ध होती है। इसी संबंध में बिहारी के कई सूक्ति के सत्सैया के दोहरे जो नावक खेती देखन में छोटे लगे खाव करे गंभीर, इनके दोहों पर पूर्णतया चरितार्थ।